नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल। दोस्तों, तीसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका। स्टार खिलाड़ी हो गया बाहर। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी जानने के लिए देखें हमारी यह खास रिपोर्ट। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया और दोनों ही मैचों में टीम इंडिया के पास बढ़त रही है। हालांकि पहला मुकाबला बारिश के कारण ड्रा हो गया था और दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया है। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 151 रनों की जीत मिली है और भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड से 1-0 से आगे हो गई है। दोस्तों, टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए लंबे अरसे के बाद लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट में जीत हासिल की है। ऐसे में अब फ्रांस की निगाहें तीसरे टेस्ट मैच पर हैं। दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त से यानी कि आज से हेडिंग्ले में खेला जाना है और इस मैच में स्पिनर को मदद मिलने की उम्मीद है। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन को भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। भारत अगर इस मुकाबले को जीतता है तो वह सीरीज में काफी आगे निकल जाएगा और सीरीज हार का खतरा भी उसके सिर से हट जाएगा। वहीं इंग्लैंड की कोशिश इस मुकाबले को टीम इंडिया से जीतकर सीरीज बराबरी पर लाने की होगी, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया को ईशांत शर्मा के रूप में तगड़ा झटका लगा है। ईशांत शर्मा दूसरे टेस्ट मुकाबले में चोटिल हो गए थे और अब ऐसा माना जा रहा है कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में उनको आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह शार्दुल ठाकुर या फिर उमेश यादव में से किसी एक को शामिल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वैसे दोस्तों, अगर आपके हिसाब से ईशांत शर्मा टीम से बाहर होते हैं तो शार्दुल ठाकुर या उमेश यादव में से किसको मौका दिया जाना चाहिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।